अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं डोडो। आज मैं आपके लिए चंद इंटरेस्टिंग गेम लाया हूं, जिनको खेलकर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहां हर बच्चा और नौजवान मोबाइल गेम्स खेलता है लेकिन इंडोर या आउटडोर गेम्स नहीं खेलता, मोबाइल गेम्स के बहुत से नुकसान आते हैं प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर आप इंडोर या आउटडोर गेम्स खेलेंगे तो आप अपनी लाइफ को हेल्दी और फिट बना सकते हैं। दोस्तों, पहली इंडोर गेम है हेड स्टैंड। दोस्तों, इस गेम में आपको कमरे के कोने में एक पिलो रखकर सर के बल खड़ा होना होता है। दोस्तों, ये बहुत फन गेम है और इसमें बहुत मजा आता है, लेकिन इस गेम को अपने पेरेंट्स की निगरानी में खेलें ताकि आपको कोई चोट ना लगे। दूसरी गेम है म्यूजिकल चेयर। ये गेम आप अपने बहन भाई या फिर अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। इस गेम में आप चंद चेयर्स को सर्कल की सूरत में रख देते हैं और म्यूजिक ऑन कर देते हैं। एक दोस्त म्यूजिक ऑफ या ऑन करेगा अपनी मर्जी से। तमाम दोस्त चेयर के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे और जैसे ही म्यूजिक रुकेगा चेयर पर बैठना होगा। हर बारी में एक चेयर निकलती जाएगी, इस तरह एंड पर दो या तीन लोग एक चेयर पर रह जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत फन गेम है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, तीसरी गेम है रोप जंपिंग। इस गेम में दो दोस्त रस्सी के दोनों कोनों से पकड़ेंगे और घुमाएंगे और तीसरा दोस्त रस्सी के ऊपर से उछलेगा। ये भी बहुत मजे की गेम है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ आउटडोर गेम्स के बारे में। आपने स्विमिंग का नाम तो सुना ही होगा। जी दोस्तों, आप स्विमिंग के लिए किसी पूल में जा सकते हैं। दोस्तों के साथ स्विमिंग करने का या फिर पानी से खेलने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, या ये भी बहुत फन गेम है और ये दो लोग आपस में खेल सकते हैं। इस तरह आप कोरोना वायरस की SOPs पर भी प्रॉपर अमल कर सकते हैं। दोस्तों, एक और फनी गेम है जिसका नाम है स्केटिंग। अगर आपके पास स्केटर है तो आप अपने अब्बू या भाई या किसी बड़े की निगरानी में स्केटिंग कर सकते हैं। इस गेम में भी बहुत मजा आता है दोस्तों, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह की फनी गेम्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त रहें तो इस गेम को खेलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।